अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस इमेज कैसे बनाता है, इसको देखने के लिए हम सबसे पहले रूल्स स्टडी करेंगे। जिन रूल्स को हम फॉलो करेंगे कन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन में, कन्वेक्स लेंस इन रूल्स को फॉलो करेगा जब भी वो किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएगा। आइए देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। रूल नंबर वन, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल आके लेंस पे स्ट्राइक करे तो वो रिफ्रैक्शन के बाद दूसरी तरफ मौजूद प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी। आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। रूल नंबर टू, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरे, कन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से गुजरे तो वो रिफ्रैक्शन के बाद डेविएट नहीं होती, बिल्कुल सीधी गुजर जाती है। इसी तरह रूल नंबर थ्री, अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस से गुजरती हुई कन्वेक्स लेंस के ऊपर पड़े तो कन्वेक्स लेंस उसे क्या करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल कर देगा, सीधा कर देगा। आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी। याद रखिएगा इन्हीं तीन रूल्स को हम यूज करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस के अंदर, जहां हम पांच डिफरेंट पोजीशंस पर कन्वेक्स लेंस से इमेज बनाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कन्वेक्स लेंस इन रूल्स को फॉलो करते हुए किस तरह से इमेजेस बनाता है। तो इन तीनों रूल्स को रिमेंबर रखिएगा, यही रूल्स उसमें इस्तेमाल होंगे। तो बच्चों ये देखिए, हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है जिसकी लेफ्ट और राइट साइड पे प्रिंसिपल फोकसेस हैं, फोकाई हैं एफ एफ, और डबल इसका फासला होगा तो 2f 2f, जो कि हम डिटेल में प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। हमने वो रूल्स जो पढ़े थे तीन, वो हमने हर पोजीशन के लिए अप्लाई करने हैं। हमें कन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन देखनी है और फाइव डिफरेंट पोजीशंस पे देखनी है। सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट जो है, फर्ज करिए ये एरो एक ऑब्जेक्ट है, 2f से बियॉन्ड 2f से परे रखूंगा। अगर कन्वेक्स लेंस की 2f, f से डबल 2f होता है, 2f से भी परे रख दिया अगर ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट कोई भी मेरे पास कोई एरो है, कोई भी ये मेरे पास मार्कर है, मैंने यहाँ प्लेस कर दिया, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा वो हम जानते हैं। हम इसमें से निकल तो लाखों रेज रही हैं, तीन रेज चूज करेंगे। पहली प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल, फिर दूसरी जो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से या ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी, और तीसरी प्रिंसिपल फोकस से जो गुजरेगी। ये तीन रेज हैं जो दूसरी साइड पे जाके इकट्ठी होंगी, क्योंकि कन्वेक्स लेंस लाइट रेज को कन्वर्ज करता है। जब ये लाइट रेज को कन्वर्ज करेगा तो यहाँ जो लाइट पड़ेगी वो सबसे ज़्यादा बेंड होगी, और सबसे ज्यादा बेंड होने के बाद वो लाइट रे कुछ यहां पे आके मैच करेगी। मैं आपको इमेज बना के भी देता हूं और उसकी नेचर कैसी होगी वो भी बताता हूं। तो इसका तरीकाकार ये है, यहां से रिवर्स में जाएंगे, ये जाके इससे मिला दीजिए। लाइट रे सबसे ज्यादा बेंड हुई, जो पैरेलल आ रही थी वो प्रिंसिपल फोकस से बेंड होके इस तरफ को आ गई। ये यहां रुकी नहीं है, आगे चलती जा रही है, आगे चलती जा रही। अच्छा, उसके बाद ये जो दूसरी लाइट रे है जो कि ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरेगी, हमने रूल्स पढ़े हैं, जो लाइट रे कन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है वो ज़रा भी बेंड नहीं होती, इसका मतलब बेंड नहीं होती तो बिल्कुल सीधा जाएगी। जब ये बिल्कुल सीधा जाएगी तो इसको मिलेगी एक पॉइंट पे, ये रे भी यहाँ से मिलती हुई आगे गुजर रही है, आगे जा रही है, ठीक है, ये रे आगे जा रही है, रुक नहीं रही, लेकिन एक जगह पर ये मैच करी। अब आगे बारी तीसरी रे की जो प्रिंसिपल फोकस से गुजरती है, तो क्या पढ़ा था हमने, वो जो प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी वो क्या करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी। यहां पढ़ने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी, और जब ये पैरेलल होगी तो किस पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे जाके इनसे मीट करेगी, और जहां ये तीनों रेज मीट करेंगी वहां पे इमेज बनेगा, और इमेज कैसा होगा, इनवर्टेड इमेज होगा। हेड अब नीचे की तरफ हो गया, टेल ऊपर की तरफ होगी। तो नेचर ऑफ इमेज देखिए, तीन रेज ली थी, तीनों रेज इस पॉइंट पे मिली तो ये हेड बन गया, आ लख हो रही है, यहाँ भी आएगी, यहाँ भी आएगी, यहाँ भी आएंगी, तो ये पूरा एज इट इज़ इमेज बनेगा। ये हमारे पास क्या है, इमेज है उस ऑब्जेक्ट का जो कन्वेक्स लेंस ने बना दिया, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा था, बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f पड़ा था ये। अब इसकी नेचर कैसी है ज़रा देखिए, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f तो इमेज कहाँ बना, इमेज कहाँ पे है, f एंड 2f के बिटवीन,
बिटवीन एफ एंड टू एफ. हम नेचर ऑफ इमेज बता रहा हूँ. नेचर ऑफ इमेज कैसा है, नेचर ऑफ इमेज क्या है, बिटवीन एफ एंड टू एफ रियल. रियल की निशानी है कि कन्वेक्स लेंस के आगे इमेज बनता है, तो ये रियल है. कैसा है, सीधा है या उल्टा है, उल्टा है, इन्वर्टेड है, बड़ा है या छोटा है, या इक्वल साइज़ का है, उससे छोटा है तो आप डिमिनिश लिख दीजिए, या स्मॉलर इन साइज़. ऑब्जेक्ट के साइज से क्या बनेगा, स्मॉलर बनेगा. ये है पहली सिचुएशन, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है, 2f से बियॉन्ड पड़ा है, लेंस के 2f से भी परे पड़ा है. आइए दूसरी सिचुएशन देखते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा लेंस के करीब ले आए हैं, और कहाँ ले आए हैं, ऑन 2f, ऑब्जेक्ट एट 2f. अब देखिए अगेन इसमें से कितनी रेज निकल रही हैं, तीन रेज, और तीनों रूल्स ज़रा रिव्यू करिए, रिकॉल कीजिए मेमोरी में जो अभी हमने पढ़े हैं. एक रे बिल्कुल इसमें से निकल के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पड़ेगी, एक ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी, एक प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी, दूसरे एंड पे कहीं पे जाके मीट करेंगी. और इंटरेस्टिंगली ये जो मीट करेंगी वो कहाँ पे मीट करेंगी, अब इसका बनाने का तरीका ये है कि यहाँ से आप पिछली साइड पे जाएंगे. ये जब मीट करेंगी बच्चों, तो ये मीट इस तरह से करेंगी कि दूसरे एंड पे ये 2f पे ही इमेज बना रही होंगी. ये रेस एक पॉइंट, एक नुक्ते पे जाके मिलेंगी, और वो नुक्ता अगर 2f पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी 2f पे ही बनेगा. ठीक है, कैसे बनेगा, इन रेज को मिलाइए. ये रे भी आ रही है, ये रे भी इससे मिलेगी. अक्सर ना मिल रही हो तो आपने इसे थोड़ा बहुत टिल्ट कर लेना है. ठीक है, ये रुक नहीं रही, यहाँ पे आगे जा रही हैं, इनको आगे मज़ीद बढ़ा दीजिए, ये मज़ीद आगे बढ़ा दें, आगे जा रही हैं जी. इसी तरह से इस रे को भी आगे बढ़ा दें. ठीक है, इस पॉइंट पे इन्होंने क्रॉस किया. अब बची बारी इसकी, ये जो पैरेलल आ रही है ये भी इन इस पॉइंट से आके मैच करेगी, मैच ये बिल्कुल सीधा करेगी, बिल्कुल सीधा मैच करवाने के लिए अब इसे थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लीजिए, और इसे बिल्कुल सीधा इसके साथ, क्योंकि हमने पढ़ा है वो रे जो प्रिंसिपल फोकस से गुजर के आती है, जब कन्वेक्स लेंस से गुजरेगी, कन्वेक्स लेंस उसे बिल्कुल पैरेलल कर देगा यहाँ के मीट की. अब यहाँ जब इमेज बना, तो इमेज देखिए उसी साइज़ का जिस साइज़ का ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे इमेज भी बनेगा, इमेज भी 2f पे बनेगा. कैसा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा. अगर मैं नेचर ऑफ इमेज डिस्कस करूँ, यहाँ पे अगर इमेज की नेचर डिस्कस हो तो क्या लिखेंगे, नेचर ऑफ इमेज, जो मेरे पास इमेज आया उसकी नेचर कैसी है, क्या कहेंगे, एट 2f, 2f पे बना, क्या बना, कैसा बना, रियल बना. रियल की निशानी ये होती है, रियल किसको कहते हैं, जो लेंस की अगली साइड पे बने, आगे बने, रियल बना है. और कैसा बना है, इन्वर्टेड बना है, उलट बना है, हेड ऊपर था अब हेड नीचे है, टेल नीचे थी टेल ऊपर है, और क्या जी, सेम इन साइज, उसी साइज का बनेगा जिस साइज का ऑब्जेक्ट है. हमेशा ऐसा होता है, अगर किसी भी कन्वेक्स लेंस के सामने उसकी फोकल लेंथ के डबल फासले पे ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो डबल फासले पे ही उसका इमेज बनता है. जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज का इमेज बनेगा. और इसमें रूल्स हमने वही तीन फॉलो किए जो अभी हमने पढ़े थे. तीसरी सिचुएशन ये है कि ऑब्जेक्ट हम मजीद आगे ले आए हैं. कहाँ से आगे ले आए हैं, पहले हमने ऑब्जेक्ट रखा बियॉन्ड 2f, फिर हम उसे 2f पे लेके आए, अब f और 2f के दरमियान ले आए, फोकल लेंथ और उसकी डबल लेंथ जो है उसके दरमियान ले आए, तो इमेज आगे चला जाएगा. जो लेंस इमेज बनाएगा देखिएगा वो और मजीद आगे ट्रांसफर हो जाएगा. यहां इमेज यहां पे था, फिर यहां बना, अब आगे चला जाएगा. कैसे बनेगा आइए देखते हैं. हमने रूल पढ़े हैं, वो रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल आती है बेंड हो जाएगी, वो रे जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है सीधी जाएगी, वो रे जो फोकल लेंस से गुजर के आती है वो सीधा रहती है, बिल्कुल पैरेलल हो जाती है. तो आइए देखते हैं इमेज कहां जाके बनेगा. इमेज जो बनेगा वो काफ़ी डिस्टेंस पे बनेगा, 2f से भी परे बनेगा. कैसा होगा ये देख लेते हैं. अब यहाँ से जो ऑप्टिकल सेंटर से रे आ रही है वो बिल्कुल सीधा जाएगी, और बिल्कुल सीधा जाते हुए क्या करेगी, इस रे को मीट करेगी एक पॉइंट पे. तीनों रेज एक दूसरे को क्रॉस करेंगी और आगे चलती जा रही हैं. ऐसे ही ये आगे चलती जा रही है. अभी इसकी बारी है. ये रे आप जानते हैं जो फोकस से गुजर के आती है वो बिल्कुल भी बेंड नहीं होती, बल्कि क्या करती है, इसको ले आएँ ताकि सीधी रे बने. अक्सर सीधी रेज नहीं बनती उसके बनाने के लिए, अब इसे मज़ीद एक्सटेंड कर लें. ये आपके पास तीसरी रे जो बिल्कुल जाके उन
दो रेज को एक पॉइंट पे मीट करेगी, ये जगह है। अब ज़रा देखिए ये जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा, इन्वर्टेड होगा, रियल होगा, 2F से परे बनेगा। अगर मैं नेचर ऑफ इमेज लिखूं, जो कि नीचे लिखी होगी, उसने नेचर ऑफ इमेज कैसी होगी बताइए, इमेज कहाँ बना, जो इमेज बन के हमारे पास आया है वो आया है बियॉन्ड, बियॉन्ड बच्चों 2F इमेज बना है। कैसा बना है, रियल बना है, इन्वर्टेड बना है, उलट ही बना है अभी भी, और क्या है, लार्जर इन साइज या ग्रेटर इन साइज, उस ऑब्जेक्ट के साइज से लार्जर है, बड़ा है। अगर ये 2 सेंटीमीटर हो सकता है वो 3 या 4 सेंटीमीटर का बने, ये 3 सेंटीमीटर हो सकता है वो 4 या 5 सेंटीमीटर का हो, इस तरह से इमेज फॉर्मेशन होगी अगर ऑब्जेक्ट एफ और 2F के दरमियान आ जाए। रोज वही 3 वालों की है जो हमने रिसेंटली पढ़े थे। अब देखिए ऑब्जेक्ट को मजीद कन्वेक्स लेंस के करीब लेके आइए, कन्वेक्स लेंस के जब और करीब लेके आएंगे, अब ज़रा देखें हमने रूल 3 पढ़े थे, एक रे पैरेलल लेनी है, एक रे प्रिंसिपल ऑप्टिकल सेंटर से और एक रे प्रिंसिपल फोकस से। अब जब ऑब्जेक्ट ही प्रिंसिपल फोकस पे आ गया तो प्रिंसिपल फोकस वाली रे वाला काम तो खत्म हो गया। जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पे ही आ गया तो वो रे कैसे ड्रॉ करूँ, वो रे ड्रॉ ही नहीं हो सकती, तो रेज कितनी बची पीछे, 2, एक प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल और एक जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है। अब बच्चों ये जो रेज हैं, हम जानते हैं कि जो पैरेलल आके टकराती है वो हमेशा फोकस से, हमेशा फोकस से, हमेशा फोकस से गुजरती है। ये रे कहाँ से गुजरेगी, ये रे तो गुजर जाएगी फोकस से। अब ये रे फोकस से गुजर गई, गुजर रही है यहाँ से, जब ये रे यहाँ से गुजरेगी, अब ये हम जानते हैं जो ऑप्टिकल सेंटर से रे गुजरती है वो तो बेंड ही नहीं होती, बेंड नहीं होती तो कैसे जाएगी, बिल्कुल सीधा जाएगी, ये तो किसी तरह मुड़ेगी नहीं। तो ज़रा देखें क्या ये दोनों रेज कहीं पॉइंट पे जाके मिलेंगी, तीसरी रे तो वैसे ख़त्म होगी ना, क्यों ख़त्म होगी, कि ऑब्जेक्ट खुद ही कहाँ पे आ गया, प्रिंसिपल फोकस पे, तो करे प्रिंसिपल फोकस से गुजरनी थी, वो कैसे गुजरे, वो कहाँ से गुजरे, ऑब्जेक्ट खुद ही इधर आ गया, तो 2 रेज बची, दोनों में से भी कोई भी रे अगली तरफ जाके मीट नहीं कर रही, जब मीट नहीं कर रही तो इमेज कैसे बनेगा। इसीलिए जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस के ऊपर आ जाए, अगर ऑब्जेक्ट लेंस के प्रिंसिपल फोकस पे आ जाए तो क्या होगा, नो इमेज फॉर्मेशन, कोई भी इमेज नहीं बनेगा, ऑब्जेक्ट का इमेज ही नहीं बनेगा, इमेज ही नज़र नहीं आएगा। सो नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, नो इमेज फॉर्मेशन, हमें इमेज दिखाई नहीं देगा, नेचर ऑफ इमेज नो इमेज फॉर्मेशन, इमेज तो बनता है अगर रेज मीट करे, नो इमेज फॉर्मेशन, ये रेज कहीं मीट ही नहीं कर रही, पीछे एक्सटेंड कर लो, अगर इन्हें पीछे लेके जाऊं तो पीछे जाते हुए कहीं मीट नहीं करेंगी, तो जब ये मीट नहीं करेंगी तो इसका मतलब इमेज बनेगा ही नहीं। इसलिए इन केस कि जब ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के ऊपर प्रिंसिपल फोकस भी आ जाता है तो इमेज ना रियल ना वर्चुअल बनता ही नहीं है, नो इमेज फॉर्मेशन। अगला केस आखिरी वाला, अगर ऑब्जेक्ट लेंस और एफ के दरमियान आ जाए, मजीद करीब ले आए, प्रिंसिपल फोकस को भी क्रॉस करके आगे आ जाए ऑब्जेक्ट, मार्कर है ऑब्जेक्ट, वो आगे मजीद आ गया, अब इमेज कैसा बनेगा, अब ज़रा देखिए, हम जानते हैं एक रे बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस से गुजर पैरेलल आनी है एक ऑप्टिकल सेंटर से, वही 3 रूल्स जो पढ़े थे हमने। अब देखिए जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो दूसरी तरफ हमेशा प्रिंसिपल फोकस से गुजरती है, ये हम जानते हैं प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी, और जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है रे वो तो बेंड ही नहीं होती, वो तो मुड़ती नहीं किसी तरफ, मुड़ेगी नहीं तो बिल्कुल सीधा जाएगी, बिल्कुल सीधा जाएगी, तो इसका मतलब इस केस में भी इमेज नहीं बनेगा, बनेगा, देखिएगा अब कैसा इमेज बनता है, किस तरह इमेज बनता है। यहाँ पे आपकी आई है, यहाँ पे आप आंख से देख रहे हैं, आपको इमेज नज़र ही नहीं आ रहा इस तरफ, क्योंकि इमेज कहाँ बनेगा, ज़रा देखिए। अब इन रेज को पीछे लेके जाइए, इनको डॉटेड लाइन के अंदर डॉटेड पीछे लेके जाऊं, अगर पीछे लेके जाऊं तो ये दोनों रेज पीछे जाके बचो मीट करेंगी, एक दूसरे को मिलेंगी, इसका मतलब इमेज बनेगा। तो इमेज कैसा बनेगा, इन रेज को पीछे लेके जाऊंगा, यहाँ तो मीट नहीं की थी, पीछे भी गया, यहाँ जाके मीट करेंगी, इसका मतलब जो इमेज है वो लेंस की बैक साइड पे, पिछली साइड पे बनेगा, ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा मैसिव होगा, मेरी आंख को इमेज नज़र आएगा लेंस की पिछली साइड पे, और उसके साइज़ से मैसिव होगा, जैसा ऑब्जेक्ट वैसा ही इमेज लेकिन साइज़ में बहुत बड़ा, तो नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, नेचर ऑफ इमेज कैसी होगी, क्या लिखूंगा बताइए, कैसा है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ था, इमेज कहाँ बना, इमेज अब तो नहीं लिखेंगे बियॉन्ड कहाँ पे, आप लिखेंगे वर्चुअल बना, कहाँ बना,
वर्चुअल हो तो सीधा होता है, इरेक्ट है, इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, इरेक्ट है, इरेक्ट है। और बताइए उसके साइज से क्या है, इनलार्ज्ड, इनलार्ज्ड इन साइज, उसके साइज से बहुत बड़ा है, साइज से, ऑब्जेक्ट के साइज से बहुत बड़ा, ऑब्जेक्ट से पिछली साइड पे, लेंस से पिछली साइड पे, और कैसा बना, वर्चुअल। वर्चुअल कैसा होता है, लेंस से पीछे होता है और सीधा होता है हमेशा, जैसा हमने मिरर्स के अंदर भी पढ़ा था, या कौन सा मिरर, कनकेव मिरर के अंदर हमने पढ़ा था। तो देखिए बच्चों, ये हमारे 5 डिफरेंट केसेस थे जिनमें हमने ऑब्जेक्ट को मुख्तलिफ पोजिशंस पर रख के देखा, तो इमेज दूसरी तरफ कहाँ 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 बन रहा है। वही 3 रूल्स फॉलो किए, 3 रेज, 3 रेज, 3 रेज, 3 रेज ली, किसी जगह पे 2 आएंगी, क्यों, क्योंकि वो तीसरी रे का जगह ही नहीं रही, तो 2 रेज, यहाँ भी 2 रेज, जब उन्हें मीट किया दूसरे एंड पे मीट करेंगे तो इमेजेस 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 बनेंगे, अगर नहीं मीट करेंगे नो इमेज बनेगा, और अगर पिछली तरफ मीट करेंगी तो पीछे इमेज बनेगा, और कैसा होगा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड इनलार्ज इन साइज, मैसिव साइज का। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस देखी, कन्वेक्स लेंस कैसे इमेजेस बनाता है, और कन्वेक्स लेंस हम आम कॉमन यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए, खुद भी देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी के साथ मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।